दोस्तों, जब कभी भी आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर आपका फ़ोन गुम जाता है तो आपका कंट्रोल जो होता है आपके फ़ोन पर से पूरी तरह से हट जाता है। आप लोगों का कोई भी कंट्रोल नहीं रह जाता है। इस केस में दोस्तों, फ़ोन चोरी करने वाला बंदा आपके फ़ोन को इजीली इस्तेमाल कर पाता है या फिर गुमने के बाद जिस बंदे के पास वो फ़ोन है वो बंदा बहुत ही इजीली आपके फ़ोन को यूज़ कर पाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हो। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ भारत सरकार के एक नए पोर्टल के बारे में, जिसके माध्यम से आप लोग जो है अपने खोए हुए फ़ोन को या फिर चोरी हुए फ़ोन को आप लोग इजीली ऑनलाइन उसे ब्लॉक कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, उसे आप लोग ट्रैक कर सकते हो। अगर ट्रैक करने पर वो मिल जाता है तो आप लोग जो है उसे अनब्लॉक करके उसे इस्तेमाल कर सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं किस प्रकार से आप लोग जो है अपने खोए हुए फोन को ब्लॉक कर सकते हो ऑनलाइन। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को अपने फ़ोन का ब्राउज़र ओपन करना है, गूगल पे जाना है और टाइप करना है CEIR, इसके बाद सर्च कर देना है। इसके बाद जो फर्स्ट लिंक आएगा इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। आप लोगों को सबसे पहले जो है अपना भाषा चूज कर लेना है। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो, जिस भी लैंग्वेज में, वो आप लोगों को चूज कर लेना है। इसके लिए दोस्तों, आप लोगों को ऊपर एक टैब देखने को मिल रहा होगा भाषा का, तो यहाँ पे आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को आप लोग जो है यहाँ से चूज कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे तीन ऑप्शंस आप लोगों के सामने आते हैं। पहला ऑप्शन है अपना चोरी गुम हुआ मोबाइल अवरुद्ध करें, इस पर आप लोगों को सबसे पहले क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। नीचे आप लोगों को स्क्रॉल करना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को जो है अपने मोबाइल से जुड़ा जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के गुमे हुए फोन में जो भी मोबाइल नंबर था, जो भी उसमें सिम लगा था, उसका जो मोबाइल नंबर है वो नंबर आप लोगों को यहाँ पे सिंपली फिल कर देना है। इसके बाद अगर आपके फोन में डुअल सिम था, मतलब दो सिम लगे थे, तो दूसरा सिम का नंबर भी यहाँ आप लोगों को भर देना है। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों को जो है आपके फोन का 15 डिजिट का जो IMEI नंबर जो होता है उसे आप लोगों को फिल करना होगा। IMEI नंबर क्या होता है यहाँ पे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों, नीचे ही आप लोगों को जो है आपके अगर फोन में डबल सिम लगता है तो डबल IMEI नंबर होगा, तो नीचे आप लोगों को दूसरा वाला जो IMEI नंबर है उसे आप लोगों को फिल कर देना है। इसके बाद कंपनी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगा। आप लोगों को सिंपली कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का डिवाइस का क्या मॉडल था, आपके मोबाइल का क्या मॉडल था, यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा या फिर आप लोगों को लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों ने जब फोन लिया था तो उसके साथ में एक आप लोगों को जो है उसका रसीद दिया गया था कि वो कितने का फोन है, कौन से कंपनी का है, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे उसे अपलोड करना होगा। यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, मोबाइल खोने से संबंधित जानकारी आप लोगों को यहाँ पे भरना होगा। तो सबसे पहले कहाँ से आपका फोन जो है चोरी हुआ है या फिर गुम हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को उस प्लेस को भरना होगा। इसके बाद किस डेट को और किस टाइम पे आपका फोन जो है गुमा है, यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को वो डेट और टाइम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, नीचे आप लोगों को जो है यहाँ पे राज्य सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाता है, तो किस स्टेट में आपका जो फोन है वो चोरी हुआ है यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है, पुलिस स्टेशन आपका, वो आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों को जो है पुलिस शिकायत संख्या यहाँ पे भरना होगा। मतलब जब भी आपका फोन चोरी हो जाता है या फिर गुम जाता है तो आप लोगों को पुलिस स्टेशन जाके एक FIR जो है दर्ज करवाना होता है कि मेरा फोन गुम चुका है। इसके बाद दोस्तों, वो आप लोगों को एक शिकायत संख्या देते हैं जिसे आप लोगों को यहाँ पे भरना होगा। साथ ही दोस्तों, नीचे आप लोगों को जो है पुलिस शिकायत प्रति भी आप लोगों को अपलोड करना होगा। जब आप शिकायत करते हो पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज करवाते हो तो आप लोगों को जो है एक शिकायत प्रति भी दिया जाता है, उसे आप लोगों को सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना है चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके। इसके बाद शिकायत जोड़ने पर आप लोग जो है यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। मोबाइल मालिक की व्यक्तिगत जानकारी आप लोगों को यहाँ पे भरना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल मालिक का क्या नाम है यहाँ पे आप लोगों को भर देना है। उसके बाद उसका पता, मतलब कि एड्रेस भर देना है। पहचान पत्र आप लोगों को जो है अपलोड करना होगा, मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा कोई से भी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो आधार आईडी, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोगों को जो है उसे अपलोड भी करना होगा। तो चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसे अपलोड कर सकते हो। इसके बाद पहचान संख्या आप लोगों को यहाँ पर भरना होगा। जैसे कि आप यहाँ से अगर आधार कार्ड सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। इसके बाद नीचे आप लोगों को यहाँ पे ईमेल अपना भर देना है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दिखाया गया कैप्चा है इसको आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देना है। ओटीपी के लिए आप लोगों को एक मोबाइल नंबर भरना होगा जिसमें एक ओटीपी आप लोगों को प्राप्त होगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को मोबाइल नंबर भरने के बाद ओटीपी प्राप्त करें इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को ओटीपी फिल करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे ही एक डिक्लेरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, नीचे आप लोगों को निवेदन करें का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो गुमा हुआ फोन है या फिर चोरी हुआ फोन है वो 100% ब्लॉक हो जाएगा और आप लोगों को जो है एक रिक्वेस्ट आईडी भी दिया जाएगा जिसे आप लोगों को नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, क्योंकि दोस्तों उस रिक्वेस्ट आईडी के मदद से आप लोग जो है ये चेक कर सकते हो कि आपका फोन ब्लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। तो चेक करने के लिए दोस्तों आप लोगों को फिर से आप लोगों को जो है इसी पेज पे आना है और नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अनुरोध की स्थिति जांच करें, इस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो रिक्वेस्ट आईडी दिया गया है यहाँ पे आप लोगों को डाल देना है। इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग जो है अनुरोध की स्थिति चेक कर सकते हो कि आपका फोन जो है ब्लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, इसके बाद दोस्तों आप लोगों को अगर फोन मिल जाता है तो आप लोगों को कैसे उसे अनब्लॉक करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सिंपली दोस्तों आप लोगों को फिर से इसी पेज पे आना है और बीच वाला जो ऑप्शन है अपने पाए गए मोबाइल का अवरोध हटाएं, इस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आप लोगों को जो रिक्वेस्ट आईडी दी गई थी इसे आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आप लोगों को कोई भी एक नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद अनब्लॉक करने का कारण आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे पे आप लोग देख सकते हो जैसे कि पुलिस द्वारा बरामद, खुद से पाया गया, गलती से ब्लॉक हो गया, इस प्रकार का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आप लोगों को जो है कैप्चा देखने को मिल रहा होगा, सिंपली इसे आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आप लोगों को जो है एक मोबाइल नंबर भरना होगा जो कि भरना इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे आप लोगों को एक मोबाइल नंबर भर देना है। इसके बाद ओटीपी प्राप्त करें के ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही ओटीपी आ जाता है, ओटीपी फिल कर देने के बाद आप लोगों को क्या करना है, निवेदन करें के ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जिसे आप पा गए हो वो फोन जो है आप लोग अनब्लॉक कर पाओगे। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप लोग को ब्लॉक करना है, किस प्रकार से आप लोगों को स्टेटस को ट्रैक करना है और किस प्रकार से आप लोग जो है अपने फोन को अनब्लॉक कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।